दूंगी और छोटे छोटे के अपने अपने घरों में। आज अभी मैं मेकअप वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो कि आप दशहरे में घूमने जा रहे हो, दशहरे के लिए आप नवरात्रि के लिए आप ऐसा लुक चाहते हो, इतना कितना प्यारा सा लुक आया है। मेरे को खुद को अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा मेकअप किया है और मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है वो मैं आप लोग को बताते जाऊँगी, आपको मैं दिखाते जाऊँगी कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है। और चलिए फटाक से मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्राइमर अपने फेस पे। मैं हल्का सा अपने चिक्स पे एक लाइन जैसा ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद इसे मैं अपने हाथों की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। जितने भी हम लोग जो पोर्स खुले रहते हैं वो सब पूरे अच्छे से भर जाते हैं इसमें। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमे का फाउंडेशन। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पम्प ही मैंने फिटमे का फाउंडेशन लिया है। यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से लगाऊँगी। और इसे हम लोग हर एक प्लेस पे लगाएंगे फेस पे। वहाँ पे फिर लगाने के बाद हमेशा आप याद रखना कि अगर आप ब्रश से अप्लाई तो कर रहे हो बट आपको ब्यूटी ब्लेंडर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का कंसीलर, जो कि मैं इससे डार्क सर्कल को कवर करने के लिए मैं हमेशा लगाती हूँ अपने आई के पास। और जितने भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं उस जगह पे मैं लगाती हूँ ताकि वो जो मेरे डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल है वो अच्छे से कवर हो जाए। और इसे मैं ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने आई के पास। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एनके का मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, जो कि इसका शेड मैंने पिंक लिया है, लाइट पिंक कलर लिया है। और मैं हल्का सा शिमरी में यूज़ करूँगी लाइट पिंक कलर का ही, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और ये इतना पिगमेंटेड है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसको हल्का सा भी आप अप्लाई करोगे तो एकदम अलग से आपका दिखेगा ही फेस पर। यहाँ पे मैंने अपना आई शेडो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा आई शेडो मैंने कर लिया है। यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं काजल मैं लगा रही हूँ मैं आई लाइनर के जगह पे मैं लगा रही हूँ अपने काजल। वहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लूँगी और ये बहुत ही अच्छा सा लुक देगा आपको, एज ए आपको स्मोकी आई जैसा लुक लगेगा, जो कि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आई लैशेस लगा लिए हैं और सेम वही काजल लेकर के मैं अपने आई पे लगाऊंगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो कि शुगर का ब्लश मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं बार बार शुगर का ब्लश ही मैं यूज़ करती हूँ। और इसे मैं हल्का सा अपने दोनों चिक्स पे और हल्का सा नोज़ पे लगा लूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमे का लूज़ पाउडर। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से मैं अपने फेस पे हर एक जगह पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। फेस पे अच्छे से लूज़ पाउडर लगाने के बाद मैं अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक मैंने लिया है लैक्मे का 9 to 5।
अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई करने के बाद अब है बारी हाइलाइटर की, जो कि ये पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एकदम चमकना, जो कि मैं ऐसे हल्का सा अपने चिक्स पे लगा लूँगी, दोनों चिक्स पे लगाऊँगी और हल्का सा नोज़ पे भी लगाऊँगी और मैं अपने आई के इनर कॉर्नर पे भी लगाऊँगी उसे। हाइलाइटर लगाने के बाद एकदम लुक ही चेंज हो जाता है, एकदम लुक चमकने लगते हैं ना। सो लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ फेस स्कैनर का, मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है ताकि मेकअप बहुत देर तक टिका रहे अपने फेस पे। बारी अपने हेयर स्टाइल का, चलो चेंज करते हैं। ये देखो मैंने पूरा ही मेकअप कर लिया, मैंने हल्का सा बिंदी लगा लिया। अब बारी है इयर रिंग्स की, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी मैंने पहन लिया। अब है बारी चूड़ी की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलो इसे भी वेयर कर लेते हैं। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख के ही बता सकते हो कि मैं कैसे लग रही हूँ। मुझे तो अपना लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरा लुक कैसा लग रहा है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मैंने जो मेकअप के लिए जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, मैं लिंक के साथ मैं दे दूँगी आपको। अगर आपको ये भी प्रोडक्ट ऐसे ही चाहिए, अच्छा लग रहा हो, तो आप उसे जाके परचेस कर सकते हो वहाँ से। और हाँ, और मैंने जो कपड़े पहने हैं, ईयरिंग्स डाले हैं, ये सब मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा हो और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।